फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस लिखा है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री। मैंने आपसे पहले भी कहा था इसका पार्ट थ्री बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं आज लेकर आई हूँ। और अगर आपने इसके पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सेंटेंस पार्ट थ्री में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। इसमें बेसिकली हम फोर टाइप ही पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये चार हम बेसिकली ये चार ही पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे होता है पांच है, एक और उसमें होता है ऑप्टेटिव, बट हम बेसिकली ये चार पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस में दो बातें आती हैं, एक पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव भी आती है, दोनों बातें आती हैं इसमें। इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव में हम सारी पॉजिटिव बातें रखते हैं और निगेटिव में हम सारी निगेटिव बातें रखते हैं। निगेटिव तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि निगेटिव रखेंगे। अफर्मेटिव में सिंपल जितने भी असर्टिव सेंटेंस में वैसे भी जितने साधारण वाक्य आते हैं, ही इज़ गोइंग या ही इज़ नॉट गोइंग, ऐसे साधारण वाक्य आते हैं जिसमें साधारण सिंपल सेंटेंस आते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, अफर्मेटिव हो जाएंगे। और जिसमें नॉट, नेवर ये चीज़ें लग के आएंगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, देखिए सेकेंड क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम कोई भी किसी को भी सजेस्ट कर रहे हों, ऑर्डर दे रहे हों, रिक्वेस्ट कर रहे हों, किसी को भी हम सजेस्ट कर रहे हों, ऑर्डर दे रहे हों, रिक्वेस्ट कर रहे हों, तो वो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने प्लीज़ लगाया, रिक्वेस्ट किया, तो वो क्या आ गया, इम्परेटिव में आ गया। लेट अस गो फॉर वॉक, अगर ऐसे किया, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि चल सकते हैं, वो उसकी मर्जी पर है। या ओपन द डोर, ओपन द डोर, मैंने ऐसे कहा तो क्या हो गया, मैंने ऑर्डर दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगी। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें ये मार्क लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके फ्रेंड, ये देखिए ये मार्क लगा होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। वैसे ये हमारी फीलिंग को दिखाता है, जैसे अगर आप कोई मैच जीत गया है तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे ओह मैं मैच जीत गया, ऐसे नहीं, या हुर्रे वाओ मैं मैच जीत गया, ऐसे करेंगे ना, अपने एक्सप्रेशन को कैसे दिखाएंगे, ऐसे कहेंगे वाओ मैं मैच जीत गया, आई वॉन द मैच, ऐसे। तो वो क्या है, वो आपकी फीलिंग है। तो ये जो फीलिंग बाहर निकल के आ रही है, हुर्रे वाओ अलास या कुछ भी ऐसी फीलिंग निकल के आ रही है, वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसके बाद सेंटेंस के बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यार, यहाँ पे
जब भी कोई प्रश्न पूछेगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा होगा लास्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। किसी से भी हम कोई प्रश्न कर रहे हैं या कर रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पहचानने का तरीका जानिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।